वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 1, और अगर हम न्यूमरेटर में 4 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो हो जाएगा 1/2। तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सो लेट the fraction be x by 1. So as per condition, pehla equation form hoga, therefore numerator into 2 yani ki 2x by denominator plus 1 yani ki y plus 1 jayega is equal to 1, or 2x is equal to ho jayega y plus 1, और 2x minus y is equal to 1. So ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो दूसरे कंडीशन में अगर हम x and y को पुट करें तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर प्लस 4 यानी कि अगेन x plus 4 divided by denominator into 2 यानी कि 2y is equal to 1/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जा रहा है और x plus 4 is equal to हो जाएगा y, और x minus y is equal to हो जाएगा minus। सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। सो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। So equation 1 minus equation 2 अगर हम करें तो होगा 2x minus y is equal to 1 and x minus y is equal to minus 4। So यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। So 2x minus x is x, यहाँ पे y कैंसिल हो जा रहा है, is equal to 4 plus 1 is equal to 5। So x का वैल्यू 5 है, therefore y is equal to हो जाएगा अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो y का वैल्यू होना चाहिए x plus 4 is equal to 5 plus 4 is equal to 9। तो फ्रैक्शन हम लोगों ने x by y लेट किया था, thus फ्रैक्शन is equal to हो जाएगा x by y is equal to 5/9। So 5/9 हमारा आंसर। थैंक यू।